हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो अगर तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल को अक्सर चेंज करते रहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आप अगर अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर कोई भी पूरी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग पूरी पिक्चर नहीं लगा सकते। आप लोगों को वहाँ पर कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं मिलती जिस तरह कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप पूरी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, उस पिक्चर को आपको लाजमी थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई साइड उसकी जो है वो कट हो जाती है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर कोई भी पूरी पिक्चर लगा पाएंगे। तो इस ऐप की मदद से फ्रेंड्स आप लोग अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर कोई भी पूरी पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। और अगर आप लोग भी जानना चाह रहे हैं सब हम किस तरह से कर सकते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। तो इस ऐप का लिंक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप वीडियो के नीचे आएंगे वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो चलें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस ऐप को आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेंड्स ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप में, जिसमें मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कोई भी पिक्चर अगर मैं यहाँ पर अपलोड करना चाह रहा हूँ तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रही कि हम पूरी पिक्चर को अपलोड कर पाएँ। तो चले यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और हम चलते हैं उसी ऐप में। तो यहाँ पर मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। सिंपल सा इसका इंटरफेस है, जैसे ओपन होगा यहाँ पर नीचे आप कुछ ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे लेफ्ट साइड पर नीचे आपने गैलरी के आइकॉन पर क्लिक करना है और वहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर जो अपलोड करना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लें। चले मैं यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले फ्रेंड्स गैलरी में आने के बाद मैं इस पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पिक्चर हमारी आ गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग अपनी टू फिंगर से जो है वो जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, पिक्चर को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं पूरी पिक्चर को लाना तो यहाँ पर रख लें, और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो आप अपनी मर्जी से पिक्चर को सिलेक्ट करें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पूरी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद थोड़ी सी ऑप्शन और, वो आप अपनी मर्जी से चेक कर सकते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई फ्रेम लगाना चाह रहे हैं पिक्चर में वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाती है आप लोगों को, यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वापस उसी कलर पर ले आता हूँ, और उसके बाद फ्रेम अगर कोई लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। और सिंपली आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पर सेट किस तरह करना है तो यहाँ पर नीचे आपको राइट साइड पे ये आइकॉन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें और ये यहाँ पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप में ले जाएगा। और सिंपली यहाँ पर आपने डन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही पिक्चर हमारी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर सेट हो गई है। तो यहाँ पर ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरी पिक्चर जो है हमारी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर सेट हो गई है। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर जो है वो अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल की ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें। इस ऐप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीज़ें।